तभी यहां तक वाद का गढ़ रहे जम्मू कश्मीर के डोडा शहर में 100 फीट से ऊंचा तिरंगा शान से लहरा रहा है। ये तिरंगा सेना ने फहराया। डोडा में ये हाई मास्क फ्लैग लगाया गया है, इसका उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मेजर जनरल अजय कुमार JOC डेल्टा फोर्स थल सेना ने कहा कि ये ध्वज हमारी शान है, ये हम सभी के दिलों में रहता है, लेकिन दूर से दिखाई देगा, ये महत्वपूर्ण अवसर है, हमें इस पर गर्व है। मेरे हिसाब से आने वाले समय में सबको इससे प्रोत्साहन मिलेगा। डोडा में ये हाई मास्ट फ्लैग लगाया गया, इसका इनॉग्रेशन किया। देश का ध्वज है, हमारी शान है, ये हम सबके दिलों में तो रहता ही है, लेकिन दूर से दिखाई देगा, मोमेंट ऑफ प्राइड है, हमारे को इस पर गर्व होता है। मेरे हिसाब से अच्छा एक इवेंट है, आने वाले समय में हमारे को और ज्यादा प्रोत्साहन देगा। सेना ने इस मौके पर देश की रक्षा के लिए समय समय पर शहीद हुए सैनिकों के घर वालों को भी सम्मानित किया है। राष्ट्र निर्माण के कामों के लिए सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सम्मानित किया गया। देश का प्रत्येक नागरिक इस झंडे को देखकर गर्व महसूस कर रहा है। इस पर डोडा के कमिश्नर विशेष पाल ने कहा कि मुझे गर्व हो रहा है, देश का प्रत्येक नागरिक इस झंडे को देखकर गर्व महसूस कर रहा है। मैं जैसा अनुभव कर रहा हूं, मुझे लगता है डोडा का हर भारतीय महसूस कर रहा होगा। यू नो मेकिंग ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया स्वेलिंग विद प्राइड, उसके दिल में जो भारतीय होने की और जो इस फ्लैग को देख के जो गर्व महसूस कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है हर भारतीय जो यहाँ पे डोडा में वो महसूस। इस मौके पर जुटे लोगों ने सेना के प्रति कृतज्ञता दिखाई। इंडियन आर्मी की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया। डोडा के इतिहास में ये पहली बार है कि इतना बड़ा झंडा डोडा की धरती पर लहराया गया है। इंडियन आर्मी 10RR की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज जो है लहराया गया और डोडा की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि इतना बड़ा झंडा जो है डोडा की धरती पर लहराया गया है। इस पर एक पूर्व सैनिक हाकिम सिंह ने कहा, जो यहाँ देखा पहली बार जिला डोडा में, मैं बहुत स्तब्ध हूँ। मैं 1996 में रिटायर होकर आया हूं, लेकिन जब से 1960 में पैदा हुआ हूं, तब से पहली बार इतना बड़ा झंडा देख रहा हूं। बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा झंडा हमारे हिंदुस्तान का, इसके बारे में मुझे गर्व है, अपने हिंदुस्तान की आर्मी पर और अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिन्होंने ये बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। यहाँ देखा पहली बार जिला डोडा में, मैं तो 1996 में रिटायर आया हूँ, लेकिन जब से मैं 1960 में मैं पैदा हुआ हूँ, उससे उसके बाद आज मैं पहली बार यहाँ पर ये जो इतना बड़ा फ्लैग देखा हूँ, जो बड़ा झंडा जो ऊंचा लगा हमारे हिंदुस्तान का, इसके बारे में मुझे प्राउड है अपने हिंदुस्तान की आर्मी पर और अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, जिन्होंने ये इतना बहुत बड़ा काम करके। बहरहाल डोडा की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों पर फहराता ये राष्ट्रीय ध्वज लोगों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाता रहेगा और आतंकवाद से मुक्ति की एक नई सूचना लोगों को देता रहेगा।